हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फूमरे। मैं रितेश, सबका स्वागत हूँ। तो दोस्तों बता दें, मैं ज्वाइंट इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु की तरफ से नॉन कम्बेटेंट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फूमरे। मैं रितेश, सबका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों बता रहे हैं, ज्वाइंट इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु की तरफ नॉन कम्बेटेंट का यहाँ पे फॉर्म निकाला गया है। बहुत खतरनाक नाम है। तो यहाँ पे एयरफोर्स हॉस्पिटलिटी के लिए है, हाउस कीपिंग का यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। तो इसके बारे में हम सारी जानकारी है। तो दोस्तों बता दीजिए, ये फॉर्म ऑफलाइन भराएगा आपको, यहाँ पे कोई फीस नहीं होने वाली है। आपकी एज क्या होगी, ये सब बात करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन में। तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपके आगे नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। अगर आप मोबाइल से देखना चाहते हैं तो आप 3 डॉट पे आइए, ठीक है। 3 डॉट क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे अग्निवीर नॉन कॉम्बेटेंट यहाँ पे ब्राउज़र पे क्लिक करना है, ठीक है। ब्राउज़र यहाँ पे आपका डाउनलोड हो चुका है। अब दोस्तों इसके बारे में बताने वाले कौन कौन से एलिजिबल है, क्या है, हर चीज़ बताने वाले, क्या क्रिटेरिया है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया आपका, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2004 से 2 जुलाई 2007 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इनकेट कैंडिडेट क्लियर टू ऑल स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर, देन अपर एज लिमिट एंड डेट इनमेंट 21 साल। अगर सब कुछ पास कर लेता है तो आपकी जो लास्ट डेट है वो 21 साल हो जाना चाहिए। यहाँ पे आपको बता दें, सिर्फ ओनली अनमैरिड जो है कैंडिडेट अलाउ है। अगर शादी हो गई है तो आप इसके लिए आप जो है यहाँ पे डिस्क्वालीफाई रहेंगे, तो आप इसके लिए एलिजिबल ही नहीं रहेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे मैट्रिकुलेशन या उसके मतलब आपका 10वीं या उसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए, ये है सेंट्रल स्टेट किसी से भी। उसके बाद दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका हाइट 152 सेंटीमीटर रहेगा। तो यहाँ पे आपको मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है, 152 सेंटीमीटर रहेगा। बाकी नॉर्मल है, यहाँ पे डेंटल केयर ये सब आप पढ़ सकते हैं। मैं आपका ये जो नोटिफिकेशन है वो टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। उसके दोस्तों जनरल डिस्क्वालिफिकेशन रहता है यहाँ। अब दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जनरल डिस्क्वालिफिकेशन। इसमें कहने का मतलब है कि आपका जो यहाँ पे आप है वो क्या बोलते हैं, ड्रग वगैरह कैलगरी ना हो, ठीक है। उसके बाद आपको बॉडी टैटू जो आपके कोहनी मतलब आपका यहाँ पे दिया है रिस्ट के अंदर होना चाहिए, नहीं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। उसके बाद दोस्तों ओनली सिख कैंडिडेट के लिए आप पढ़ सकते हैं। जॉब प्रोफाइल आपको क्या करना है, हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम में आपको क्या करना है, इन दिस स्ट्रीम इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड प्लेटफॉर्म टास्क सॉरी कुकिंग खाना बनाना, किचन मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन, डिशेज मेंटेन, सैनिटाइजिंग मतलब पूरा अच्छा ही, ये सब आपको यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम में मिल जाएगा। और हाउस कीपिंग क्या मिल जाएगा, इन द स्ट्रीम इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड प्लेटफॉर्म ऑल जॉब टास्क एसोसिएटेड विद द फ्लोर रोड रूम्स, मतलब आपको इसमें हाउस कीपिंग में आपको मिल जाता है साफ सफाई के लिए भी, बाथरूम कमोड्स वगैरह ये सब यूनिनल ETC ये सबको आपको यहाँ पे रख रखाव हर चीज़ साफ सफाई के लिए यहाँ पे रहेगा आपको यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको प्रोडिस्टर टू अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे एक ब्लैंक पेपर मिलेगा, जैसा कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा मतलब अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और आप मुझे टेलीग्राम मैसेज करेंगे तब भी आपका लिंक दे दूंगा। उसके बाद दोस्तों फिर आपको उस फॉर्म को भरना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स और नॉर्मल पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकते हैं। सेंड एनी वन ऑफ द लोकेशन, यहाँ पे आपको लोकेशन दिया गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको न्यू दिल्ली भेजना है और आपको पोस्टल द्वारा भेजना है तो ये एड्रेस डालेंगे, ठीक है। ड्रॉप बॉक्स है वहाँ पे, ड्रॉप बॉक्स में भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं जाके, मतलब अगर आपको वहीं के हैं तो यहाँ डाल सकते हैं, नहीं तो आप पोस्टल अगर करना चाहते हैं पोस्टल भी डाल सकते हैं। तो न्यू दिल्ली यहाँ पे जो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे हॉस्पिटलिटी एंड हाउस कीपिंग दोनों ऑप्शन है, यहाँ पे दोनों वैकेंसीज हैं। अगर आप न्यू दिल्ली यहाँ पे सिर्फ हाउस कीपिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एयर ऑफिसर यहाँ पे आप जो पोस्टल और यहाँ पे आपको ड्रॉप बॉक्स मिल जाता है, तो इस माध्यम से आप यहाँ पे भेजेंगे, ठीक है। इसका फॉर्म भरने का मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा, आप यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे न्यू दिल्ली वगैरह सब ये सब मिल जाता है, जितनी भी एड्रेस हैं तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों मिल जाता है यहाँ पे क्लास 10th मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, आपके पास क्या क्या अटैच होना चाहिए, जो फॉर्म है उसके साथ साथ क्या अटैच होना चाहिए, ठीक है। क्लास 10वीं का मार्कशीट हो गया, पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों द फोटोग्राफ विद टेक इन कैंडिडेट, ये तो आपके सिख के लिए मान लीजिए आपको अप्लाई होता है। टर्म कंडीशन यहाँ पे मिल जाएगा, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है।
1 ईयर 4 ईयर सर्विस है यहाँ पे आपका, ये दिया गया है कि आपका 4 ईयर का सर्विस है। ट्रेनिंग ऑन बीइंग इनरोल्ड अग्निवीर वायु कमांडेंट विल बी इम्पोर्टेड स्पेसिफिक, ये सब है। यहाँ पे छुट्टियाँ मिल जाएगी 30 दिन, 30 आपको डेज पर ईयर, मतलब एक साल में 30 लीव मिल जाएगा। सिक लीव आपको मिल जाता है मेडिकल एडवाइस पे, ठीक है। पे अलाउंस यहाँ पे आपको 30,000 रुपये पैकेज है पर मंथ। फिक्स्ड ईयरली इंक्रीमेंट एंड एडिशनल रिस्क यहाँ पे दिया है। अग्निवार स्कीम विल बी पेड अग्निवीर पैकेज आवे 30,000 पर मंथ, ठीक है। यहाँ पे 30,000 पर मंथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट वगैरह। फर्स्ट ईयर आपको 30,000, सेकेंड ईयर 33,000, इन हैंड आपको 21,000, फिर 23,000, फिर 25,000, 28,000, ऐसे करके आपको यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे आपको फंड आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे आ जाते हैं कि मेडिकल वगैरह ये सब डिटेल्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे आपको क्या क्या बनवाना है, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे। सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन, कैंडिडेट हुज एप्लीकेशन एक्सेप्टेड विल बी इशू विथ एडमिट कार्ड फॉर द रिटन टेस्ट, यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। द एडमिट कार्ड विल हैव डेट लोकेशन टाइम रिटन टेस्ट, यहाँ पे सब आपको जो मिलेगा आपके, मतलब आपको इस पर हो सकता है ऑनलाइन भी मिले या आपके डॉक पे भी भेजा जाएगा। तो यहाँ पे रिटन एग्जाम होने वाला है, ये आपको सीधी सी बता दें। और क्या है कि हाई स्कूल के जो आपका मार्कशीट होता है, मार्क होता है, उसकी बेस पे भी यहाँ पे ये दिया जाता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम नीचे, नीचे यहाँ पे देखते हैं द कैंडिडेट शुड कैरी आधार कार्ड, आपको एक ले जाना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ करेक्टर सर्टिफिकेट, गजिस्टर ऑफिसर पंचायत, यहाँ पे आपको करेक्टर सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लेके जाना है। ओरिजिनल 10th मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे नेम फादर के नेम, कहने का मतलब आपका जब एग्ज़ाम होगा तो आप इसके लिए आप यहाँ पे ले जा सकते हैं मेट्रिकुलेशन वगैरह। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे आपको जो सैलरी वगैरह यहाँ पे दे सकते हैं। और सीक्वेंस मतलब आपको जो, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आपको यहाँ पे मार्कशीट ओरिजिनल, ठीक है, अगर कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो ले जाएंगे। आपको आधार कार्ड वगैरह सब कुछ यहाँ पे डिक्लेरेशन हर चीज़ जो है आपका मतलब ओरिजिनल लेके जाना, ठीक है। यहाँ पे रिटन टेस्ट के लिए आपको दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या आपको, यहाँ पे जनरल इंग्लिश 10 नंबर और 10 नंबर जनरल नॉलेज, ये आपको यहाँ पे सिंपल सा करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, नहीं तो वहाँ पे निकाल दिया जाएगा मिस बिहेवियर की वजह से। उसके बाद दोस्तों फेज सेकेंड में फिजिकल फिटनेस रहेगा, ठीक है। हाइट चेक वगैरह होगी आपका, 500 फीट अप टू रहेगा यहाँ पे आपको वगैरह, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। पुशअप वगैरह सीट अप रहेगा। हॉस्पिटलिटी में आपको देख सकते हैं यहाँ पे डिमोनस्ट्रेबल एप्टीट्यूड टास्क, हाँ, नॉलेज ऑफ सैनिटेशन, मतलब आपको ये चीज़ जानी, कैसे साफ सफाई स्वच्छता कैसे रखनी है, वो चीज़ आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेफ फूड कैसे खाना देना है वगैरह, ये सब नॉर्मल चीज़ें आप यहाँ पे सीख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें कुछ और ख़ास नहीं है, तो यहाँ पे सारा ये, अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, मतलब आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैसेज करेंगे या आप कमेंट करेंगे तभी मैं आपका रिप्लाई यहाँ पे दे दूँगा। तो आई होप दोस्तों सब कुछ समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं समझ आता तो आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।